हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, जहाँ पे जो इंडियन इंडियन शेयर मार्केट के वॉरेन बफे कहलाए जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी, उनके पास 6 करोड़ शेयर्स हैं और आज की डेट में इस कंपनी का रिजल्ट आया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतने बड़े इन्वेस्टर हैं तो ये शेयर, ये कंपनी कमाई कितनी करती है क्वार्टरली बेसिस पे। 6 अगस्त 2019 जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है, तो कितनी कमाई हुई है उसके बारे में जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। साथ में देखेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल भी। अगर मैं बात करता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 92,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बड़ा शेयर है। 1,047 का प्राइस है, बुक वैल्यू 68 के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त 20% की। हर तरीके से ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एक है। अब आप इसकी जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर डिटेल्स की, आप ये देखिए कहाँ, ये टाटा सन्स का शेयर है राकेश झुनझुनवाला जी। देखिए 1,15,00,000 शेयर्स राकेश झुनझुनवाला जी, 5,10,00,000 शेयर्स। अगर इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये शेयर्स हो जाते हैं 6,25,00,000 शेयर्स इनके पास टोटल हो जाते हैं। क्लियरली देखने को मिल रहा है, ये रेखा झुनझुनवाला जी है, राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ, ये राकेश झुनझुनवाला जी खुद हैं। तो 6,30,00,000 शेयर से, 6,25,00,000 शेयर से ऊपर नंबर है। अब ये शेयर इन्होंने अभी नहीं लिया, जब ये बहुत छोटा 2002, 2003, 2004 उस तरीके से उस टाइम पे इन्होंने ये शेयर्स लिए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप सोचोगे यार कंपनी कौन सी है, तो आप कंपनी देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं टाइटन कंपनी लिमिटेड। ज्वेलरी, आईवेयर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके, बहुत सारे ब्रांड्स इसके अंदर आते हैं और आज की डेट में इसका रिजल्ट आया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, टाटा सन्स का ये शेयर है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की 20% होल्डिंग है। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि टिडको, इसकी 27% होल्डिंग है। और मेजरली टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, ये सारे इसके प्रमोटर्स में आते हैं। अब जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया आज 3 बजे के आसपास रिजल्ट आया है। रिजल्ट कैसा रहा वो देखते हैं। यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करूँगा, तो इस क्वार्टर में 5,208 करोड़ का इनकम दिखाया है टाइटन ने, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च क्वार्टर में 4,945 करोड़ था और लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 4,487 करोड़ था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे टाइटन के कर्ता धर्ता लोगों ने ये भाषण दिया था कि भाई कमी हो सकती है प्रॉफिट में, तो फिर भी उसके बाद भी इतनी बढ़िया इन्होंने इनकम दिखाई है, तो काफ़ी पॉजिटिव मैं इसको कहूँगा। और अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितना हुआ क्लियरली आप देखते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखे जाए तो 281 करोड़ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। ये देखिए टोटल प्रॉफिट जो है 363 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पिछले मार्च यानी कि मार्च 2019 में 348 करोड़ था और लास्ट ईयर जून में 328 करोड़ था। अगर आप इसका प्रॉफिट देखें तो अल्टीमेट प्रॉफिट कमाने वाला ये शेयर है। ये देखिए आप, मार्च 2008 में मात्र 148 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और लास्ट ईयर यानी कि देखिए मार्च 2019 में 1400 करोड़ का प्रॉफिट। तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाने वाला ये शेयर है टाइटन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप टाइटन को अलग अलग तरीक़ों से देखोगे, देखिए डिविडेंड भी थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देता है, इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं देता। राकेश झुनझुनवाला जी बड़े इन्वेस्टर हैं, एक नज़र टेक्निकल पर डालते हैं तो ये शेयर उनके कहे जाने के बाद ये शेयर बिल्कुल निचले लेवल पे आ गया था। ये मान के चलिए कि बिल्कुल अपने आरएसआई, इसका आरएसआई यहाँ पे बहुत नीचे आ चुका है, 40 के आसपास आ चुका है। अभी ये बियर जोन में नहीं गया है, नीचे जरूर है, बियर जोन में नहीं गया, आरएसआई बहुत कमज़ोर हो गया। और आरएसआई का सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो 37 के लेवल पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्या लेवल है, 37 का लेवल है आरएसआई का, जो क्लियरली देखने को मिल रहा है। देखिए आरएसआई ने भी पिछली बार जब अप गया थे, बिल्कुल नीचे प्राइसिंग आई थी तो बिल्कुल डाउन बनाया था, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था, उसके बाद ऊपर गया था। इस बार भी आरएसआई नीचे को जरूर आ रहा है, शेयर भी अपनी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, नीचे क्रॉसओवर पे दिख रहा है, तो सारे शाइन दिखा रहे हैं यहाँ पे कि भाई पॉजिटिविटी आ सकती है। लेकिन इस वीक में अभी भी ये रेड बना हुआ है। और अगर मैं खाली आज की डेट की परफॉर्मेंस देखूँ तो किस तरीके से रही आज की डेट की परफॉर्मेंस में, जब रिजल्ट आया तो अचानक इसमें बहुत बढ़िया उछाल आया, देखिए रिजल्ट के टाइम आते ही। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, तो स्टॉक वापस नीचे उन्हीं लेवल्स पे आ गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्लियरली देखिए, जैसा कि मुझे लगता है इस शेयर में अगर मैं यहाँ पे फिर से वीकली चार्ट पे चलता हूँ तो थोड़ा सा और करेक्शन इसमें हो सकता है। शेयर देखिए
इतना स्ट्रांग प्रॉफिट नहीं है, तो थोड़ा सा और करेक्शन होके शेयर आपको हल्का सा डाउन लेवल पे भी मिल सकता है, यानी कि इन लेवल्स पे, प्रायर हाई के लेवल पे, यहाँ से करंट जो सिचुएशन है वहाँ से थोड़ा सा और आपको यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, एक वेट नहीं मतलब बढ़िया लेवल पे ये मिल सकता है। ऑल दो यहाँ पे अगर मैं RSI की बात करूँ तो RSI मुझे थोड़ा सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। अगर ये नीचे चली जाएगी, 37 को पार कर देगी, नीचे चली जाएगी, तो एक बियरिश जोन में आ जाएगी RSI, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।